Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Start. वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 13 के अधीन कार्यवाहियों पर विचार करने के प्रयोजन के लिए उन निष्कर्षों पर विचार करना सुसंगत होगा जो क्रूरता से संबंधित विवादक संख्या 1 के संबंध में अभिलिखित किए गए हैं और जो अपीलार्थी की कार्यवाहियों के आधार हैं। विद्वान कुटुंब न्यायालय ने ये निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं कि तथ्यतः कोई क्रूरता नहीं बरती गई थी और न ही ऐसी कोई क्रूरता अपीलार्थी द्वारा साबित की गई है। प्राथमिक रूप से वह विवादक जिस पर न्यायालय को इस प्रकरण पर विचार करना है केवल विवादक संख्या 1 है जो इस बात पर प्रभाव डालता है कि क्या पति द्वारा पत्नी के साथ वस्तुतः क्रूरता बरती गई थी, जैसा कि उसने अभी कथित किया है, जिससे कि पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर सके, और क्या अभी कथित की गई क्रूरता की डिक्री अधिनियम की धारा 13 उपधारा 1 के अधीन क्रूरता की परिधि के अंतर्गत आती है। पक्षकारों ने अपने अपने पक्ष कथनों को साबित करने के लिए मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादक संख्या 1 पर विचार करते हुए यह अभी निर्धारित किया कि अपीलार्थी वादी ने अपने पति के संबंध में शराब पीने और दुर्व्यवहार करने और अपीलार्थी पर शारीरिक रूप से हमला करने से संबंधित अभिवचन किए हैं और यह अभिलिखित किया है कि प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में उक्त तथ्यों के बारे में विनिर्दिष्ट रूप से इनकार नहीं किया है, जो कि सिविल कार्यवाहियों में स्वीकार किए जाने के समान है और जो बेहतर साक्ष्य है। न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि साक्षियों अर्थात DW-2 अरविंद कुमार और DW-3 उष्मा देवी की प्रति परीक्षा में वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अभिकथित क्रूरता की कार्यवाही को साबित करने से संबंधित कोई प्रश्न नहीं किया गया है। न्यायालय ने विवादक संख्या 1 पर विचार करते हुए यह कारण उल्लिखित किया है कि चूंकि विवाह के पश्चात पति और पत्नी मसूरी वैष्णो देवी और मुंबई गए थे और यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनका व्यवहार मानो इस बात के बराबर है कि पति द्वारा कोई क्रूरता नहीं बरती गई थी, यह एक सही कारण नहीं है जिसे कुटुंब न्यायालय द्वारा उल्लिखित किया गया है। यह सामान्य अनुभव की बात है कि विवाह के आरंभिक प्रक्रम पर पति और पत्नी एक दूसरे के पति समझबूझ और सामंजस्य बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, तथापि इसे इस सबूत के रूप में नहीं लिया जा सकता कि
विवाह के पश्चात दोनों के द्वारा बाहर जाने के कारण कोई क्रूरता नहीं बरती गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने कागज संख्या 20 और प्रदर्श 1 जो अपीलार्थी द्वारा अपने पति को लिखे गए पत्र हैं। स्टॉप। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।